अक्सर हर घर में आलू मटर की सब्जी तो बनती ही है, लेकिन सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आलू मटर की रसीली सब्जी का वीडियो। और ये सब्जी मैंने लहसुन और प्याज के बिना बनाई है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते तो वो ये वीडियो देख के बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली 4 आलू, 2 हरी मिर्ची, 2 छोटे टमाटर, थोड़े से मटर, और ये लगभग 400 ग्राम के करीब आलू थे। मैंने पहले धो के लिए थे और छील के कट कर लिए, और बाद में वापस इनको धो लिया। अब मिर्ची को धो के मैं इसके साथ में ही काट लूंगी। टमाटर को भी बारीक काट लिया है। और अब मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई आपको थोड़ी भारी तले की लेनी है ताकि सब्जी वो नीचे चिपके ना। मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया इसमें। जब तेल गर्म हो जाए तो आपको 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देना है, 1 छोटा चम्मच राई जिसे सरसों बोलते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच मैंने हींग डाल दिए, गैस की आंच मीडियम रखी है। और अब इसके अंदर आलू मिर्ची डाल दिए जीरा वगैरह चटकने के बाद, और हम आलू को इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। और बाद में सबसे पहले मैं आलू के अंदर 1 चम्मच डाल दूंगी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हल्दी पाउडर डाल के मिक्स करना है। इससे जो भी आप सब्जी भूनते हैं वो हल्दी डालने से कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, क्योंकि मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ और पहले कोई भी सब्जी भूनती हूँ तो उसमें हल्दी जरूर से पहले डालती हूँ। इससे हमारी सब्जी बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और आप जब भी तेल गरम करें तो बहुत ज़्यादा तेल गरम करके जीरा नहीं डालना। हम बहुत ज़्यादा तेल गरम करते हैं, जीरा डालते ही वो काला हो जाता है, जल जाता है, तो तेल का भी स्वाद अजीब सा आता है। तो आपको तेल मीडियम गरम करके जीरा डालना। इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च पाउडर। ये थोड़ी बड़ी कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर है, इसलिए आपको बड़े बड़े दाने दिख रहे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले ले, और मिर्ची आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार डाल दे। और मसालों को 2 मिनट अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। गैस की आँच आपको थोड़ी धीरे ही रखनी है, क्योंकि सूखे मसाले वो तले में चिपकने लगते हैं। तो आपको 2 मिनट अच्छे से मसालों को भून लेना है। अच्छे से भून चुके अब इसके अंदर मैं मटर डाल दूंगी। मटर आपको धो के डालने हैं, मैंने पहले धो के रख दिए थे मटर। और अच्छे से अब इसको मटर को भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आलू भी अच्छे से भून चुके हैं और मटर भी साथ में मिक्स कर दिए मैंने। और अब इसके अंदर डाला है मैंने 1 कप के करीब गर्म पानी। ऐसे आप ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालेंगे तो सब्जी का जो प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। अब हम गैस की आँच मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगा के आलू को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। पूरी तरह से आलू को सॉफ्ट नहीं होने देना है। देखिए इस तरह से दबा रहे तो टूट रहा है आलू, इतना ही सॉफ्ट करना। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। आलू आधे पक जाए बाद में आपको टमाटर डालना है। तो आपको पानी कितना डालना है, मैं रसीली सब्जी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है। आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 1 छोटा चम्मच इसके अंदर कढ़ाई पनीर वाला मसाला डाला। एक बार ये मसाला डाल के देखे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और 1 छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी। आपके पास कोई भी सब्जी मसाला या गर्म मसाला है डाल सकते हैं। वापस ढक्कन लगा देंगे और आलू को अच्छे से सॉफ्ट होने तक मैंने पका लिया है। अगर आपके पास कोई सब्जी मसाला या गरम मसाला नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, या भुना हुआ जीरा नहीं है तो तवे पे थोड़ा जीरे को भून ले 1 चम्मच के करीब, बारीक कूट के वो डाल दे, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। सब्जी हमारी पक चुकी है। अब इसके अंदर हरा कटा धनिया डाल देंगे धो के। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप बीच में सब्जी को चेक करते रहे, पानी कम लगे तो थोड़ा गर्म पानी और डाल सकते हैं। मैंने इसमें इतना पानी रखा है, आप इससे भी कम रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम डालें, थोड़ी सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। तो आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं, इतनी लाजवाब सब्जी बनके तैयार हुई थी कि मैं बोल के नहीं बता सकती। पास में खड़े खड़े ही आपको खुशबू से ही भूख लग जाएगी, इतनी टेस्टी बनती है बिना लहसुन प्याज के। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देख के ये सब्जी एक बार जरूर बना के ट्राई करें, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बच्चों को तो खासकर आलू की सब्जी पसंद आती है। तो लीजिए मैंने कढ़ाई को नीचे उतार दिया और एक बर्तन में हम सब्जी को निकाल देते हैं। ये सब्जी आप पराठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी, और आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। और मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो आपकी तारीफ जरूर होगी, क्योंकि इतनी लाजवाब सब्जी बन के तैयार होती है। और इस सब्जी को आप व्रत में खाने के लिए भी बना सकते हैं। जब भी हम व्रत खोलते हैं तो बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हैं, तो ये जरूर बना के ट्राई करें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट।